हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है एन आर्मी कंटेजनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। यानी कहना चाह रहा है कि 616 मेंबर जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस साइड, तो 616 मेंबर जो है इनको एक काम करना है कि 616 मेंबर आप ये माने और जो है क्या मानते हैं 32 मेंबर्स ये माने। अब जो बोलना है उनको सेम कॉलम, कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, कॉलम हम ये कहते हैं। तो उन्हें करना क्या है कि उन्हें ये जो है इसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड करनी है, यानी जितने यहाँ पे नंबर होंगे उतने यहाँ पे नंबर होंगे, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने कॉलम होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बोल के रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम नंबर आ गया, इसका मतलब है हमें एस सी एफ फाइंड करना है। सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एस सी एफ ऑफ 616 एंड 32। ओके, तो एक काम करेंगे, वी विल फाइंड एस सी एफ, वी विल फाइंड द एस सी एफ बाय इक्रेट्स डिवीजन लेमा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहना चाह रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एस सी एफ जो है वो इक्लोर डिवीजन लेमा से फाइंड करें। आपको इक्लोर डिवीजन लेमा तो पता ही होगा। तो जो 616 है, जो बड़ा नंबर है उसको हम LHS में लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको RHS में लिखेंगे। मल्टीप्लाई एक ऐसा नंबर जो इसे मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है 19 + 8। अब आगे जो R है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करेंगे या तो उसके आसपास आ जाए या खुद ही वो आ जाए। तो हमें पता है कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा और रिमाइंडर में 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर में 0 बचता है तो ये जो है ये हो जाता है हमारा एस सी एफ, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 इज़ एस सी एफ, यानी 8 कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 8 कॉलम्स, आंसर वही है, ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो।